राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के छात्रों के ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध के लिए छात्रों के प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया है। इसी के चलते गांधी चौक पर संस्थान के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करके एचपीयू की तर्ज पर प्रमोट करने की मांग की है। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के छात्रों ने प्रदेश सरकार व तकनीकी शिक्षा बोर्ड से छात्रों से भेदभाव न करने की अपील करते हुए मांग की है कि एचपीयू की तरह फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट करने और फाइनल ईयर के ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। छात्र नितिन ने कहा कि प्रदेश सरकार को फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट करना चाहिए और फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी के लिए और समय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत तकनीकी संस्थान के अधिकतर छात्र 10वीं पास होते हैं और उनकी उम्र 18 साल से बहुत कम होती है। ऐसे में छात्रों को वैक्सीनेशन भी नहीं लग पाई है, इसलिए सरकार को जल्द वैक्सीनेशन के लिए भी फैसला लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो छात्र भूख हड़ताल कर अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट किया जाए और जो डिटेन बच्चे हैं उनको भी एक चांस दिया जाए और थर्ड ईयर के बारे में भी सोचा जाए, उनके ऑनलाइन पेपर लिए जाएं या उनके ऊपर उनके डेट को एक्सटेंड किया जाए, उनको पढ़ने का टाइम दिया जाए। क्योंकि सर पॉलिटेक्निकल में बच्चे जो होते हैं वो होते हैं 18 से कम, 10th करके आते हैं। अगर उन बच्चों को कोरोना हो जाता है तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? हम सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं, अगर किसी बच्चे को कुछ हुआ, पेरेंट घर से बच्चों को भेजते हैं, उनको डर लगा कि हमारे बच्चों को कोरोना हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर बच्चे की जान चली तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा? सरकार जिम्मेदारी से तो हम इसके लिए कॉलेज आने के लिए पेपर देने के लिए तैयार हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए अगर सरकार ले सकती है। हमने फोन किया सरकार को, कोई हमें जवाब नहीं दे रहा है, एप्लीकेशन दी कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हंगर स्ट्राइक की जाएगी और अगर तब भी पूरा नहीं किया गया तो हर छात्र शर्त उतरेगा, जो करना पड़ेगा हम करेंगे, या प्रमोट किया जाए या ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। संस्थान की छात्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एचपीयू के छात्रों को प्रमोट तो कर दिया है तो वहीं एचपीटीयू ने भी ऑनलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, तो तकनीकी शिक्षा विभाग के ऑफलाइन परीक्षा क्यों लेना चाहता है? उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सभी के लिए एक समान फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांगों पर जल्द फैसला नहीं लेती है तो छात्र भूख हड़ताल या तकनीकी शिक्षा निदेशालय के घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मैं गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेड। सर आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है एचपीयू को प्रमोट किया गया है, एचपीटीयू वालों के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम का ऑर्डर आ गया है, तो एचपीटीएसपी वालों के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या एचपीटीएसपी वाले बच्चे नहीं है? क्या उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है? मिले जैसे सभी को मिली थी, क्योंकि ना सर एचपीटीएसपी में मैक्सिमम बच्चे 10th करके आते हैं जिनकी एज 18 बिलो है, उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, सभी को पता है कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी होता है, एक बच्चे को एक से दूसरे को होगा, दूसरे से तीसरे को होगा, इसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हमने बहुत सारे मंत्रियों से भी बात की, उनको हम एप्लीकेशन देके आए पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको क्या सर हम सुनवाई सर हमने ना राज्य सभी को किया, हमने शिक्षा मंत्री से बात की और हेल्थ मिनिस्टर से बात करते हैं, सीएम से हमने बात की, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। सर हमारी मांगे पूरी होंगी तो हम सर देखो ना सीधी बात है, अगर क्यों नहीं कर रहे हैं वो हमारी मांगे पूरी, उनको करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स उतरेंगे, स्ट्राइक पे उतरेंगे, एक वाले आज एक उतरेगा, कल दूसरा उतरेगा, तीसरा उतरेगा, क्यों हो जाए? वरना ये जो आंदोलन है बहुत बिगाड़ रूप रहेगा। तो यहाँ पर आप उनसे भी मिलेंगे क्या? हाँ जी सर हम उनसे भी मिलेंगे, हम उन्हें भी अपील करेंगे कि हमारी बात आगे रखी जाए। और इस तरह चलता रहा, नहीं सुनाई हो रही है आपकी, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत जल्दी होने वाला मामला है। सर किसी भी बच्चे को कुछ भी होता है तो ना उसकी तो जिम्मेवारी सरकार लेगी। अगर सरकार जिम्मेवारी लेती है कि किसी बच्चे को कुछ होता है हम जिम्मेवार हैं, तो हम बच्चे सारे पेपर देंगे। सर हमें रिटर्न चाहिए, रिटर्न दे हमें सरकार, दे हमें लिख के, जयराम सरकार हमें लिख के दें। सर हम स्ट्राइक करेंगे, हम अभी सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और फिर हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और वो बैठेंगे हम अपने बोर्ड के सामने, क्योंकि हमारे डायरेक्टरेट है वही हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारा बोर्ड हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो हमारी बात